नमस्ते दोस्तों, कुकिंग विद रेनू में आपका स्वागत है। आज की मेरी रेसिपी है आलू और सूजी की एकदम चटपटी मसालेदार पूड़ी बनाने की। इन पूड़ियों को आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं और ये बिना सब्जी या अचार के भी ऐसे खाली अगर आप खाएंगे तब भी बहुत टेस्टी लगती हैं। तो चलिए देख लेते हैं आलू और सूजी की एकदम चटपटी मसालेदार पूड़ी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी ली है, 2 उबले हुए आलू लिए थे, इनको मैंने कद्दूकस कर लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, ऑप्शनल है, इससे थोड़ा सा कलर आ जाता है पूड़ी में, 1/4 चम्मच यहाँ पर मैंने अजवाइन ली है, अगर आपको अजवाइन का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप जीरा भी ले सकते हैं, 1/4 चम्मच मैंने कसूरी मेथी ली है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पूड़ी में, 1/4 चम्मच ही हम हींग का यूज़ करेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च और 1 छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेके उसको मिक्सी में डाल के मैंने इस तरह से पीस लिया है। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च का अमाउंट उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। नमक हम लेंगे स्वादानुसार, यहाँ पर मैंने 1 छोटी चम्मच नमक लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कट किया हुआ, तल लेंगे, उसमें हम डाल देंगे सूजी, सूजी को मैंने पहले ही छान लिया है, साथ में ही हम इसमें डाल देंगे नमक, यहाँ पर मैंने आधा कप पानी लिया है, 1 कप सूजी ली थी तो उसके लिए मैंने आधा कप पानी लिया है, पानी भी हम डाल देते हैं और इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये आधा कप पानी डालने के बाद सूजी कुछ इस तरह से हो गई है, हमें इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अब हम इसको ढक के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे जिससे कि सूजी अच्छे से फूल जाए। 15 मिनट हो गए हैं तो ये देखिए सूजी कुछ इस तरह से हो गई है फूलने के बाद। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कद्दूकस किए हुए आलू, आलू आप अच्छे से मैश करके भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें मसाले भी ऐड कर देते हैं, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अब हमने जो ये अदरक और हरी मिर्च ये पीस के तैयार की है ये भी डाल देते हैं, साथ में जो हमने अजवाइन ली है उसको हम थोड़ा सा रगड़ के डालेंगे, अब हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी, इसको भी इस तरह से हाथ से रगड़ देंगे, थोड़ा सा पाउडर बना देंगे इसका, लास्ट में हम डाल देंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया, चम्मच को हम एक साइड कर देंगे और हाथों से अच्छे से हम सूजी के साथ सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। हींग डालना भूल गई थी तो थोड़ी सी हम इसमें हींग भी डाल देते हैं, मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि जो ये मिक्सचर है आलू और सूजी का ये काफ़ी हमें लूज दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर मैंने ये सूखा आटा लिया है, अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें आटा ऐड करते हुए इसे हम टाइट करेंगे, जैसा कि हम नॉर्मल पूड़ी का आटा गूंथते हैं उसी तरह से ये टाइट होना चाहिए, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही सूखा आटा ऐड करते जाएंगे। ये देखिए इसको टाइट करने में पूरा हमने 1 कप जो सूखा आटा लिया था पूरा इसमें लग गया है, तो हाथ को थोड़ा सा हम चिकना कर लेंगे, इस आटे को भी हम 1-2 मिनट इस तरह से गूंथते हुए चिकना कर लेते हैं क्योंकि हमने इसमें सूखा आटा ऐड किया है, अगर हम इसकी ऐसे ही पूड़ी बना लेंगे तो ऊपर से वो सूखी सूखी दिखाई देंगी। अब आपको जिस साइज की पूड़ी बनानी है उस साइज की इसकी लोइयां तोड़ लीजिए, इस तरह से गोल कर लेंगे, चकले पे डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल जिससे कि पूड़ी आसानी से बिल जाएगी, इस लोई को हम चिकना कर लेते हैं और किनारे से लेते हुए हम पूड़ी बेलेंगे, इस पूड़ी को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा सा इसको मोटा ही बेलते हैं, एक जैसा बेलेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा मैंने इसको मोटा बेला है, तो इसी तरह से हम सारी पूड़ी बेल के तैयार कर लेते हैं, जहाँ आपको लगेगा कि पूड़ी बेलने में चिपक रही है तो थोड़ा सा आप ऑयल डाल सकते हैं चकले पे जिससे कि पूड़ी आसानी से बेल जाएगी।
थोड़ी सी पूड़ियाँ ही बेल के तैयार कर ली। चलिए इनको फ्राई करके दिखाती हूँ। कढ़ाई में ऑयल हमने पहले ही गरम करने रख दिया था, ऑयल अच्छे से गरम हो गया है, तो इसमें अब हम पूड़ी डाल के फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से किनारों से हम हल्का सा दबा देंगे जिससे कि पूड़ी अच्छी फूल जाएगी। ये देखिए पलट लेते हैं, एक साइड अच्छे से सिक गई है, दूसरी साइड भी सेक लेते हैं। ये देखिए ये पूड़ी हमारी सिक के तैयार है, तो इसको एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। एक और मैं सेक के दिखाती हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं कि दूसरी पूड़ी भी हमारी अच्छे से फूल गई है। किनारों से हल्का सा हम दबा देंगे, पलट लेते हैं, दूसरी साइड भी सेक लेते हैं। तो इसी तरह से हम अपनी सारी पूड़ी सेक के तैयार कर लेते हैं। देखिए हमारी सूजी और आलू की एकदम चटपटी मसालेदार और करारी पूड़ियाँ बन के तैयार हैं। इनको आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको दही के साथ लिया है, दही के साथ ये बहुत टेस्टी लगती हैं। अगर आप इनको बिना दही और सब्जी के भी खाएंगे तब भी ये बहुत टेस्टी लगती हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आज की मेरी सिंपल सी इजी सी रेसिपी। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आई होप कि आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।